नेक्स्ट बेटा हम लोगों का टॉपिक है क्या, फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारी पेंटोज शुगर है, जिसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, ये पेंटोज शुगर हमारी का पहला नंबर का जो कार्बन है वो हमेशा जुड़ेगा किससे, वो जुड़ेगा एक नाइट्रोजन बेस से। जब पहले नंबर के कार्बन और नाइट्रोजन बेस का अटैचमेंट होगा तो हमारा एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हमारा कहलाएगा बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा। क्या बोलेंगे, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जो शुगर, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में बनेगा, इसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव होगा। दूसरा जो हमेशा पहले नंबर के कार्बन से जुड़ेगा, दूसरा जो है हमारा वो है फोर नंबर पे। फोर नंबर वाले कार्बन से या हम देखें सीधे फाइव नंबर जो कार्बन है, इससे हमारा एक फास्फोरिक रेडिकल, जो फास्फेट रेडिकल जुड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमारा CH2OH था, तो यहाँ पर भी जब फास्फेट मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो यहाँ पर भी वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, हमारा आउट होगा, यानी वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। हम इसको बोलेंगे फास्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे, फास्फोएस्टर बॉन्ड। अब जब यहाँ पर हम रिएक्शन देखते हैं तो क्या होगा, दो H2O माइनस होंगे, और यहाँ माइनस होने पर क्या होगा, एक हमारा बनेगा बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो ये हमारा बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यानी ये पहले नंबर कार्बन से जुड़कर बनेगा, और दूसरा जो है ये हमारा बनेगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो हमारा सेकेंड नंबर कार्बन से जुड़ा, यानी फिफ्थ नंबर कार्बन से हमारा जुड़ा होगा और फिफ्थ नंबर कार्बन से अटैच होगा हमारा, तब जाके एक अन्यूक्लियोटाइड, मीन्स कोई एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए का, और डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हजारों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, तो एक न्यूक्लियोटाइड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें पहले नंबर का कार्बन जो है वो हमारा N2 बेस से जुड़ा होगा, और जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है वो हमारा फास्फोरिक ग्रुप से जुड़ा होगा।